सारा मसाला इसमें हम एक तरह से तड़का लगा देंगे। आज का हमारा प्याज पनीर बनके रेडी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। निशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद हम आए हैं आप लोग के सामने में कुछ नया डिश का साथ। तो आइए आज हम बनाएंगे, क्या आपको बता दे रही हैं, हम प्याज और पनीर देके बनाएंगे एक डिश ग्रेवी टाइप का। तो प्याज पनीर ही उसको बोला जाता है। हमारा घर में उसको बड़ा प्यार से खाते हैं और हम उसको बहुत शौक से बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या सामान लगेगा, कैसे कैसे बनाएंगे, फॉलो करते रहिएगा। आइए दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 300 पनीर लिए हैं। ये मार्केट से लिए हैं, घर में भी आप बना सकते हैं, उसका भी हम कभी बना के छोड़ देंगे डिश। अभी तक हम बनाए नहीं है, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ये देखिए, हमने 300 ग्राम पनीर लिया था, इसको इस छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, हम एक चम्मच चार मगज लिए हैं, तकरीबन 20 पीस हम लिए हैं काजू बादाम, 5 पीस हमने लाल मिर्च लिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, तकरीबन 50 ग्राम होगा हमने अदरक लिया है, उतना ही हमने लहसुन लिया है 50 ग्राम का लगभग, चीनी हमने एक चम्मच लिया है। यहाँ पे देखिए, एक हमने बड़ा साइज का कैप्सिकम लिया हरा वाला, 4 हमने टमाटर लिया, ये देखिए 4 टमाटर लाल देख के हमने लिया है, छोटा साइज का है। यहाँ पे देखिए, हमने 6 पीस प्याज लिया है। हमारा सामान का क्वांटिटी का हिसाब से हमने लिया है, आपका सामान जितना होगा उसका क्वांटिटी का हिसाब से लीजिए। तो प्याज हम इसी तरीका से रखेंगे, सबको हमने काट कर लिया है, अब बढ़िया से इसको वॉश कर लिया। मसाला में देखिए, यहाँ पे लिया हमने 1/2 चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ गोल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च अपना स्वाद अनुसार दीजिएगा, सामान का क्वांटिटी का हिसाब से दीजिएगा। ये भी हमने भुना हुआ 1/2 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, घर का भुना हुआ पाउडर बनाया हुआ गरम मसाला। हल्दी पाउडर भी हमने लिया है 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। यहाँ पे देखिए, गोटा जीरा हमने लिया है, ये भी हमने 1/2 चम्मच लिया है। यहाँ पे देखिए, कसूरी मेथी लिया है, ये भी हमने 1/2 चम्मच लिया है। यहाँ पे देखिए, 4 हरा इलायची लिया है, 5 पीस हमने लौंग लिया है, एक छोटा साइज का हमने जावित्री लिया है। यहाँ पे देखिए, दालचीनी लिया है 4 टुकड़ा हमने, 4 पीस लिया है, ये देखिए 4 पीस हमने लिया है दालचीनी। यहाँ पे देखिए, तकरीबन हमने लिया है 50 ग्राम दूध लिया है, 25 ग्राम लगभग हमने दही लिया है 2 चम्मच। यहाँ नमक हम 1 चम्मच लिए हैं, स्वाद अनुसार देंगे आप। चलिए कढ़ाई करते रहे। तो देखिए, पहले से हमने चूल्हा में कढ़ाई बैठा दिया है, लो फ्लेम में बैठाया हुआ है। कढ़ाई में हमने तकरीबन 150 ग्राम हमने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, सादा तेल, आप चाहे तो सरसों ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये जो प्याज हमने काट के रखा है इसको हम एक एक करके रख सकते हैं। ये देखिए, प्याज तो हमने ऐड कर दिया है इसमें। अब इसको क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने पर, ये देखिए इस टाइप का होने पर, दोनों साइड हम फ्राई करेंगे। गोटा ही रख के आप चाहे तो प्याज काट के धो के पोंछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मुंडी में उसका मुँह का तरफ रह गया था, तो छीका पड़ रहा, तो आपका ऐसा होगा नहीं, सूखा कपड़ा में पोंछ लीजिएगा। तो देखिए, इसी टाइप का गोल्डन ब्राउन होगा सारा प्याज हमारा। ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसी टाइप का होगा। अब हम निकाल लेंगे इसको। पनीर तो बहुत किस्म का खाए हैं, एक बार प्याज पनीर खा के देखिए, खा के तो देखिए उसका बात बताइएगा। अब क्या करेंगे,
इसी में हम ऐड कर देंगे ये लहसुन, इसको हम हल्का फ्राई करेंगे। फ्लेम अब हम हाई कर दिए हैं, और इसी में हम इसको बढ़िया से थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए लहसुन हमारा बन चुका है, अब इसको हम उतार लेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए इसी टाइप का होगा, इसको भी हम वही प्याज का ही साथ उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने काजू बादाम दिखाया था ना, उसको भी हम हल्का फ्राई करेंगे। फ्लेम अब हम लो कर देंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो देखिए ये भी हो के आ गया है, बस खाली इसका कच्चा पंठो उतारना है, इसी टाइप का ही उतार लेंगे। ये देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन होगा। अब क्या करेंगे, जो टमाटर हमने दिखाया था ना, उसको थोड़ा सा हम मुंडी का तड़प कट लगा देंगे इस टाइप का, ताकि छीटा नहीं पड़ेगा, ये फूटेगा। हमको हल्का ही फ्राई करना है, बस इसका छिलका छोड़ दे। तो ये देखिए टमाटर हमारा फ्राई हो चुका है, देखिए छिलका इसका बड़ा साइड का ही देखिए छोटे जा रहा है। अब इसको हम निकाल लेंगे, और ये सारा चीज को हम जो निकाले हैं, प्याज, काजू बादाम, लहसुन, टमाटर, टमाटर का खाली छिलका हम उतार देंगे ठंडा होने पर, वो हमको दिखा देंगे, तब तक हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो ये कैप्सिकम हमने दिखाया था, इसको भी हम इसी में हल्का फ्राई करेंगे, जितने हल्का। बस इसका हरापन नहीं जाना चाहिए, इतना सा ही हम फ्राई करेंगे। कैप्सिकम भी हमारा फ्राई हो चुका है, अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, और ये सारा कैप्सिकम हम निकाल देंगे। ये देखिए इसी टाइप का रहेगा, हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसका हरापन रहना चाहिए, तभी जाके ये अच्छा स्वाद भी आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हमारा प्याज जो ठंडा हो रहा, इसको हम ठंडा कर लें, उसका बाद आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये ठंडा हो चुका है, अब इसका देखिए छिलका बड़ा आराम से उतर जाएगा, और इसका जो एक तो कच्चापन रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत किस्म का पनीर खाए हैं हम, फिर एक बार बोल लेंगे, प्याज टमाटर देके एक बार पनीर खाइए। अभी भी इसका मैंने अंदर में गर्मपन है, पूरा ठंडा नहीं हुआ है, खाली हम छिलका ठो उतारने के लिए जो ऊपर में ठंडापन होना चाहिए वो हम कर लिए हैं। देखिए सारा छिलका हम उतार लिए हैं, अब इसको हम फेंक देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए कुछ हमने आइस लिया हुआ टुकड़ा, इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसको बढ़िया से हम मिक्स कर देंगे, ताकि ग्राइंडर में देने से ये गर्म नहीं हो जाए, इसीलिए पानी का तो ज़रूरत पड़ेगा मसाला में, इसीलिए हम कुछ आइस इसमें मिक्स कर दिए इस टाइप को।
कुछ आइस हम इसमें मिक्स कर देंगे ग्राइंडर में। ये देखिए अब क्या करेंगे, दो पीस हम लिए हैं टमाटर, तीन पीस हम प्याज लिए हैं, थोड़ा सा काजू लिए हैं। इसको दो बार में हम पीसेंगे क्योंकि हमारा बाटी जो है छोटा है, इसीलिए इसको हम ग्राइंडर करके आपको दिखा दें। देखिए हमने इसको बढ़िया से ग्राइंडर कर लिया है, ये देखिए बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है। और बाकी जो बचा हुआ है वो भी हम ऐड कर देंगे, ये देखिए। अब इसमें ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने चार मगज रखा था ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इसको पीस लेंगे, मिक्सी में इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए बाद वाला भी हमने दरदरा पीस लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ये अदरक और इसको बढ़िया से इसी में हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमारा बढ़िया से बन गया है। अब इसको भी निकाल लेंगे, निकाल के देखिए बाटी में एकदम भर के हुआ है, एकदम मुँह बराबर होके आया है, इतना ही पेस्ट होगा। अब यही बाटी में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा मसाला बहुत सा है, इसी में हम थोड़ा सा इसको दूध के साथ में ही धो लेंगे। तो ये देखिए इसी में रहने देंगे क्योंकि हम बाद में ऐड करेंगे पहले मसाला। अब चलिए चूल्हा का तरफ। तो ये देखिए फ्लेम हम ऑन कर दिए हैं, तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें जो खड़ा मसाला हमने दिखाया था वो ऐड कर देंगे। अब इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाया है इस सारा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। वही तेल में जो तेल में हमने फ्राई किया था वही तेल में, क्योंकि हम उतना ही तेल लिए थे जितना हमारा फ्राई होके बच जाए और हमारा डिश बन जाए, तो हमने उतना ही लिया था। तो देखिए इसको हम फ्राई करेंगे हल्का, पहले हम इसको अब फ्लेम हम हाई कर दिए हैं, हाई फ्लेम में ही हम बनाएंगे। अब इसको हम चलाते रहेंगे नहीं तो ये छींटा पड़ेगा पूरा तेल में, इसको मिक्स करेंगे। जैसे जैसे मिक्स हो जाएगा पूरा तेल इसका अंदर में चला जाएगा और हमको तेल देने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, हम हाफ चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। अब ये जो दही है इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे चम्मच के जरिए। देखिए इसको मिक्स कर लिए, दही अब इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको भी बढ़िया से हम इसमें चला लेंगे, चारों तरफ हमारा दही मिक्स हो जाए। अब इसमें ये जो गुंडा मसाला हमने दिखाया था
इस सारा मसाला इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए सारा मसाला ऐड कर दिए, इसको भी इसी में बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। इसी टाइप का फ्लेम अब हम लो कर देंगे, क्योंकि इसमें अब बढ़िया से उबाल आ चुका है। ये बहुत छीटा पड़ता है, हाई करके पूरा गर्म कर लीजिएगा, उसका बाद जब छीटा पड़ने लगेगा तब इसको लो फ्लेम में ही बनाइएगा। आप चाहे तो लो फ्लेम में भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट। ये 2 मिनट हो गया है, इसको हमने चला लिया है, देखिए कितना गाढ़ा होके आया है। अब क्या करेंगे, ये जो दूध हमने रखा था ये दूध हम इसी में ऐड कर देंगे। इसको भी हम बढ़िया से चलाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो चीनी और लाल मिर्च रखा था, लाल मिर्च को हम अलग कर देंगे, सारा चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी इसी में बढ़िया से चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा खाली हम पानी ऐड करेंगे। जो बाटी में हमने दही लिया था वही बाटी में आधा बाटी हमने पानी इसमें ऐड किया है, ये फाइनल पानी है। अब इसमें हम बाकी जो हमारा नमक है उसमें से तकरीबन हम 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। बाकी देखिए अभी भी 1.5 टीस्पून बचा हुआ हम रख देंगे, और इसको बढ़िया से हम चला लेंगे। ये फाइनल नमक है और इसमें कोई नमक देने का जरूरत नहीं है। और इसका उबाल आने तक हम क्या करेंगे, इसको हम ढक के पकाएंगे। तब देखिए इसको हम ढक्कन लगा देंगे, इसका उबाल आने तक हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, लो फ्लेम में ही है। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, अब ढक्कन खुल के चेक करते हैं। देखिए पूरा उबाल आ चुका है, इसको एक बार चला लेंगे हम। थोड़ा घना घना चलाइएगा नहीं तो छीटा पड़ जाएगा। तो ये देखिए इसको हमने चला लिया है, अभी इसको फिर हम 1 मिनट ढक के पकाएंगे। तो देखिए फिर 1 मिनट हो गया है, उबाल आ चुका है, फिर इसको चला लेंगे। अब क्या करेंगे, ये लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, ये कैप्सिकम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको भी बढ़िया से हम चलाएंगे। और चला के इसको हम ढाँक देंगे, फिर 1/2 मिनट के लिए ढाँक देंगे। तब तक देखिए दूसरा प्रोसेस कर देंगे। एक तड़का लगाने वाला हमने ले लिया है बाटी, ये वाला आपका पास अगर कढ़ाई वगैरह होगा तो वो ले लीजिएगा। अब इसको हम चूल्हा ऑन करके इसमें रख दे रही है गर्म होने के लिए। तो ये देखिए गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो देखिए दूध छोटा साइज का हमने बटर लिया है, ये बड़ा वाला है उसमें से हमने कट कर लिया है, इतना सा तकरीबन 50 ग्राम होगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, फ्लेम अब हम लो कर देंगे, चाहे तो आप हाई फ्लेम में भी इसको गर्म कर सकते हैं। बटर हमारा जब तक गल रहा तब तक हम इसको गर्म करेंगे, फ्लेम अब लॉक कर देंगे, इसी में हम बैठा देंगे। अब जो हमने जीरा रखा था वो जीरा हम इसी में ऐड कर देंगे, सारा जीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम अब हम हाई कर देंगे, जीरा को हम इसमें बढ़िया से एकदम फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। हमने अमूल बटर लिया है, अमूल बटर ही अच्छा होता है।
जब जीरा देखिएगा फटने लगेगा आस्ते आस्ते, जैसे सरसों वगैरह छोड़ते हैं फटता है वैसे ही फटेगा, तब सोचिएगा कि जीरा हमारा हो गया है। ज़्यादा हमको इसको ब्लाक नहीं करना है, ये हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम हल्का सा तड़का लगा देंगे। ये देखिए अब इसको हम ढांक देंगे। उसका बाद इसको हम उठा लेंगे और इसको चला लेंगे। जल्दी से चलाएंगे ताकि छींटा नहीं पड़े। लो फ्लेम में ही है लेकिन इसमें ये गाढ़ा इतना होता है जो क्रीम का जैसा होता है। दूध भी है, दही भी है, काजू बादाम भी है, इस सारा चीज इसीलिए ये गाढ़ा हो जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए बढ़िया से हम जो तड़का दिए हैं वो मिक्स हो गया है। अब इसमें कसूरी मेथी हम ऊपर से दे देंगे, सारा कसूरी मेथी हम छींट देंगे। अब इसमें आपको कोई मसाला नहीं दीजिएगा, ये बहुत मसाला है, आई इतना मसाला इसके लिए काफ़ी है। अब इसको हम चला लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो पनीर है ये पनीर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भी हम चला लेंगे एकदम झटपट, 10 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। रेस्टोरेंट का जैसा स्वाद मिलेगा आपको, एक बार बना के खाइए। चावल का साथ, चाहे रोटी का साथ, चाहे पराठा का साथ, किसी का भी साथ ये खा सकते हैं आप। अगर इससे पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर गाढ़ा खाना चाहते हैं तो इसी टाइप का होगा। तो हमारा घर में गाढ़ा पसंद करते हैं, हम गाढ़ा ही रखते हैं। अब इसको हम ढांक देंगे एक मिनट के लिए। देखिए एक मिनट हो गया है, आप चेक कर लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट, हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये बन के रेडी हो गया है। देखिए जितना देखने में भी सुंदर लग रहा, खाने में उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब हम आपको उतार के दिखा रहे हैं, फ्लेम हम बंद कर दे रहे हैं। तो ये देखिए आज का हमारा प्याज पनीर बन के रेडी हो गया है डिश। बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए, आप बहुत बेखूबी से बनाए हैं। आप भी बहुत बेखूबी से बना के खाइए ऐसा डिश, एक बार खाइए हमारा स्टाइल का प्याज पनीर। एक बार बना के तो खाइए, उसका बाद बताइएगा जब हाँ बाकी में कोई डिश बना है। रोटी का संग में, पराठा का संग में इतना अच्छा लगेगा, चावल का संग में, किसी का संग में भी ये खा सकते हैं। एक बार इसका स्वाद टेस्ट करके देखिए बना के। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और एकदम नहीं भूलिएगा, हम बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए ला रही हैं। आप लोग भी वीडियो फुल देख के हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी बाकी हमारा बहुत सा डिश छोड़ा हुआ है यूट्यूब में, तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।